इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय की मंझौल से, जहां एक 35 वर्षीय युवक की हत्या कर लाश को गायब कर दिया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मंझौल रोसड़ा मुखमार्ग को जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक SP नहीं आएंगे जाम नहीं हटेगी। ग्रामीणों के मुताबिक मंझौल पंचायत एक वार्ड संख्या 5 निवासी मंटुन पासवान नामक 35 वर्षीय युवक की हत्या मंझौल खैरा मुसारी में कुछ मुसहर समाज के लोगों ने पीट पीट कर कर दी है। युवक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। बताया जा रहा है कि युवक अपने पीछे 3 बेटी को छोड़ गया है, जिसकी उम्र क्रमशः 15, 12 और 10 बताई जा रही है। वही मौके पर मंझौल थाना प्रभारी सुबोध कुमार पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं और संदेहास्पद हारो सदा को उठाकर ले गई है। हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाई है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट। हारो सदा का बेटा बोला के ले गले बगल में शादी रहे, तो जे बोला के ले गले वह ना मरने होते। जाम भले हमरा लाश चाहिए, SP का आवे के चाहिए। यहाँ हमारे इंसाफ करता है कि नहीं करता है? इंसाफ चाहिए हमरा के, इंसाफ चाहिए बस। ओकर पत्नी बोले बोला करके ले गए हैं ओकर बेटा। हाँ जाता था बोलाने के लिए, बोला के ले गया। हाँ क्या हुआ मामला? देखिए सर, मेरा मेरे मेरे चाचा जी थे, मेरे घर के बगल के हैं। वो अपना घर से लगता है कि वो दारू बेच रहे हैं, हो सकता है वो गया बोला के लेके पिला खिला के उसको 10 आदमी मर्डर के मार दिया है डोंग लाठी से, उसके बाद ठेला से लोड करके ले गया है। हमको सुनाया है कि वहाँ पे प्रशासन भी गया है, रात में 10 बजे कोई वहाँ ग्रामीण लोग जागा नहीं। इसका बाद हम प्रशासन जैसे हम लोग ग्रामीण लोग सुबह पर गए, तो सुबह पर हम गए तो हम लोग वहाँ पर बले वहाँ पर देखे खून बहुत जमा हुआ था। हम लोग उसको छानबीन किए, छानबीन करने के बाद हम आगे कुछ ग्रामीण लोग से बात किए तो वहाँ पे ठेला धरा हुआ था, ठेला में भी खून लगा हुआ था। हम ये बोलने चाहते कि मेरा डेड बॉडी चाहिए, यहाँ पे पुलिस आया है, पूरा कावड़ छान मार रहा है। हमको यहाँ SP आएगी, उसके बाद कुत्ता और लेडीज पुलिस यहाँ आएगी, तब हम लोग जाम खोलेंगे। हम लोग को डेड बॉडी चाहिए, मेरा मांग यही है, नहीं आएगा तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मेंटिन पासवान। क्या करते थे? वो मजदूरी करते थे, उसका 5 बेटी जवान हुआ है, उसको भाई बेटा एक भी नहीं है, घर में कमाने वाला एक ही थे, उसको पूरा परिवार ही रो रही है, उसको कमाने खाने वाला उसका बाल बच्चा क्या करेगा? आप लोग वही सोचिए, बोलिए आप लोग आगे। हम लोग यही बोलना चाहते हैं और इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? हमको डेड बॉडी चाहिए, उसके बाद हमको जो करना होगा वो जाम आप जो किए हैं इसे आपकी जो मांग है पूरी हो जाएगी? हाँ, हम लोग जाम किए हैं, हम लोग से मांग पूरी, हम लोग आएगी पदाधिकारी आएगी, हम लोग को मांग पूरे करेगी, तब हम जाम खोलेंगे, ऐसे हम नहीं खोल सकते। देखिए जाम करना नहीं चाह रहे थे, जाम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन 2 घंटा से हमें बलगला रही है पूरा, ठीक रात में भी उनका उनके जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ एक दो लोग पकड़ाया भी, उनको ले जाके थाना में रखे हुए हैं, पहले उनसे जांच करेंगे ना कि भाई डेड बॉडी कहाँ है। पुलिस नहीं पकड़ी, हम तो अपना डेड बॉडी को तो ढूंढेंगे, जब हमें डेड बॉडी नहीं मिला है मजबूरन मुझे रोड जाम करना पड़ा है। और मैं मांग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे SP आएंगे, हमको थाना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थाना रात में भी 2 बार गया था, रात में थाना अगर 2 बार गया थाना किस लिए 2 बार गया? अभी जब थाना 2 घंटा से वहाँ पे है तो मेरा डेड बॉडी कहाँ है? अभी तक लाश नहीं मिला है, और ये रोड तभी खुलेगा जब SP साहब आएंगे, मुझे डेड बॉडी मिलेगा तभी ये खुलेगा। लोगों के नजर में हत्या का कोई कारण नजर आ रहा है? हत्या का कारण कुछ नहीं है, हत्या कारण सिर्फ ये है कि जहां मर्डर हुआ वहां दारू बिकता है, ठीक, ये मजदूर लोग